नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। लॉकडाउन पीरियड में लोग सबसे ज़्यादा स्वरोजगार पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हर क्षेत्र में लोग स्वरोजगार को अपना रहे हैं, उसमें से एक परिवहन भी है। लोग ई रिक्शा को भी स्वरोजगार के रूप में अपना रहे हैं और कम लागत में ज़्यादा कमाई हो सकता है ई रिक्शा को लेकर। इस पर जो है वो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो लोग लॉकडाउन में बाहर दूसरे प्रदेश में जो काम करते थे, अब वापस जब वो बिहार लौटे हैं तो उन्हें स्वरोजगार को अपनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इस विषय पर विशेष बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं आनंद जी और ये ई रिक्शा के जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि पहले ई रिक्शा में कितनी और कैसे वृद्धि हुई है। सर देखिए, पहले तो हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं जो आपने आज इस मुद्दे को उठाया है। ये पूरे बिहार में, आज के डेट में पूरे देश में एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है ई रिक्शा। इसलिए ज्वलंत मुद्दा है कि गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन है और हमारी कंपनी जो है वो टेरा मोटर, ये जापानीज कंपनी है और हम लोग बेसिकली तीन मॉडल देते हैं, तीन चार मॉडल की हमारी गाड़ियाँ हैं जो महज आसान किस्तों में और कम दाम में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारे पास में फिनांस की सुविधा भी है। हमारी गाड़ियाँ की जो कीमत है 1,25,000 रुपये है, महज कस्टमर 25,000-20,000 रुपये का किस्ती देते हैं और आराम से गाड़ियों को खरीद के लेके चले जाते हैं। और जो लोग भी इस गाड़ी को चलाते हैं कम से कम 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,300 रुपये पर डे वो लोग कमा लेते हैं, जिससे उनकी कमाई जो है 20,000-25,000 रुपये पर महीने हो जाती है और आराम से वो 5,000-6,000 रुपये का किस्ती भरते हैं और अपने घर परिवार के लिए 20,000 रुपये वो बचा भी लेते हैं। तो सबसे बड़ा आज के डेट में रीज़न है कि इसमें कोई खर्च नहीं है, मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, लोगों को कमाने के लिए सहूलियत है, चलाने में भी बहुत आसान है और महज बिहार के क्या पूरे देश में जो प्रदूषण की मामला जो बढ़ते जा रही है उसके लिए सबसे बड़ा कारगर साधन यही है। आनंद जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि लॉकडाउन से पहले क्या कितनी बिक्री होती थी, अब कितनी बिक्री हो रही है और इस लॉकडाउन के पीरियड में कितनी बिक्री हुई है? देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है कि आज के परिवेश में बहुत सारे जगह लोगों की नौकरियां जा रही है। हम तो देखते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं जो BA MA किए हुए लोग रहते हैं, बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, जो बिहार छोड़ के चले गए थे बाहर, और वो लोग यहाँ आते हैं और वह लोग देखते हैं कि अब हम करें क्या। तो वो लोग आसानी से जो वहाँ कुछ पैसा बचा के रखते थे वो पैसा को लेके आते हैं, नॉर्मल KYC पे हम लोग उनको गाड़ी देते हैं और यहाँ सहज भाव से वो लोग गाड़ी खरीद के चलाते हैं। पहले हमने ये कारोबार को शुरू किया था 2017 में, और 17 में जब हमने शुरू किया था तो 17-18 हम लोग का ऑन एन एवरेज चल रहा था उस समय, लेकिन हमने देखा कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा पूरे भारत में, उसके बाद जो बिहार में जो प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा संख्या में आए थे तो उस केस में हम देखे कि बहुत सारे लोग दुबई से आए, अपने परिवार के लोगों को रिक्शा खरीद के दे दिए, या फॉरेन वो लोग जा नहीं पाए, या बॉम्बे वो लोग जा नहीं पाए, सूरत वो लोग जा नहीं पाए, वो लोगों ने आराम से रिक्शा खरीदा और आराम से चला रहे हैं और सुखी पूर्वक अपना वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे सेल में पहले लॉकडाउन से और अब तक के सेल में काफ़ी इजाफा हुआ है और लोग इसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते जा रहे हैं। अब तक के कितने लोग जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, क्या आपके पास में कुछ ऐसा आंकड़ा है जो कि लोग खरीदे हों और खुद से स्वरोजगार को? देखिए, हमारे पास में तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो बाहर से आके खरीदे हैं और हम यहाँ महीना में, पहले हम देखते थे कि 40 गाड़ियों को बेचते थे अपने काउंटर से, लेकिन जब ये लॉकडाउन के बाद हमारा सेल जो है 70-75 गाड़ी पटना में अपने काउंटर से हम लोगों ने सेल किया, उसके बाद हम लोग जो पूरे बिहार का, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, हर जिला का आंकड़ा और हर जिला की गाड़ियां हमारे पास से जाती है, तो मैंने देखा कि किसी महीने 2017 से 19 तक में हम लोग 300 प्लस गाड़ियों का आंकड़ा छू नहीं पाते थे, लेकिन हमने 600 गाड़ी का आंकड़ा छुआ, 600 गाड़ी हमारा महीना में बिका, ऑन एन एवरेज हम लोग 400 गाड़ी को फिगर को मेंटेन हम लोग किए हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं, हम तो मतलब हमारे पास में पूरी सूची है जो लोग बाहर से आए हैं वो लोग गाड़ी का खरीद के ले जाते हैं, वो लोग चलाते हैं और खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गाड़ी की कितनी कीमत होगी, ऑन रोड कितने लोग कैसे खरीदते? देखिए, हमारे पास में तीन मॉडल की गाड़ियां हैं। एक हमारी जो मॉडल है वो सुमो मॉडल है, जो सबसे बेस मॉडल है।
तो बेस मॉडल का जो प्राइस है वो 1,25,000 रुपये है। हमारा 3-4 बैंकों के साथ में अपना फिनांशियल टाइप भी है। इंडसइंड बैंक इसमें सबसे अग्रिम आगे आके काम कर रही है। इवन हमारी कंपनी खुद का अपना फिनांस भी ला रही है। सेंट्रल बैंक के साथ हमारा काम हो रहा है। इसमें हम लोग जो है 1,10,000 रुपये तक जो है लोन हम लोग करा देते हैं। कस्टमर जो है 15,000, 20,000, 25,000 रुपये में वो गाड़ी को आराम से खरीद लेता है। मानिए जो हमारा दूसरा मॉडल है उसका 1,35,000 रुपये दाम है, उसमें हम लोग 20 से 25,000 रुपये लेते हैं। 1,00,000 से 1,10,000 रुपये तक हम लोग लोन करा देते हैं। तीसरा जो मॉडल है Y4A मॉडल, उसका 1,45,000 दाम है, उसमें कस्टमर 35 से 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट देते हैं और उसमें भी हम लोग 1,00,000 से 1,10,000 रुपये तक हम लोग नॉमिनल KYC। हम लोग के पास में सबसे बड़ा सुविधा क्या है कि जैसे पटना जैसे शहर में जो लोगों का अपना मकान नहीं है, वो लोग अगर गारंटर का पेपर अपना देते हैं, उनकी एक बिजली बिल दे देते हैं, उनका KYC देते हैं, तो गाड़ी हम लोग उनको आराम से दे देते हैं। एक दिन में हम लोग लोन की सुविधा पूरा उनको उपलब्ध करा देते हैं और कस्टमर को कहीं भटकना नहीं पड़ता। वो हमारे जगह आते हैं और हमारे जगह में आके अपना KYC देते हैं और महज 1 से 2 रोज के भीतर में वो खुशी खुशी गाड़ी लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम लोग जो इसमें बैटरी लगा के देते हैं, वो बैटरी की वारंटी 1 साल होती है। ओकाया का 140 एम्पियर का बैटरी लगाते हैं। एक बार जो कस्टमर इस गाड़ी को चार्ज करता है, उनकी गाड़ी महज 130 से 140 किलोमीटर पर डे चलती है। मतलब एक बार चार्ज किया 100 से 140 किलोमीटर उनकी गाड़ी चलती है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं और उनसे भी बात करेंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब आप अपने प्रदेश वापस लौटे, तब आप लोगों को ये दिमाग में कैसे ये कॉन्सेप्ट आया कि अब हमें अपना खुद से रोजगार ढूंढना चाहिए और खुद से हम लोगों को काम करना चाहिए। तो हमारे साथ है, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा शुभ नाम श्रवण कुमार चौधरी। पहले आप कहाँ काम करते? पहले हम पेंट वाला काम करते थे, जिन्हें जहाँ मिला जहाँ काम करते थे। और पेंट वाला काम छोड़ने से बहुत दिक्कत होने लगा, तो कम पैसा साधन हुआ तो गाड़ी घोड़ा निकालें और चलाने लगे। तो चलाने लगे, कंपनी वाला कुछ राहत दिया कि साथ एक गाड़ी घोड़ा निकाल लो चलाओ, तो इसी में चलाने में 2 पैसा घर चलता है, हम लोग का राहत मिलता है। इस गाड़ी को खरीदे हम 180 में। हाँ, अब आपका कितना कमाई से हो जाता है? अभी कमाई जो है अभी 200-250 रुपया कमाई हो रहा है। अभी बहुत गिंजन हो रहा है, लॉकडाउन लगने से लिए हम लोग का स्थिति बहुत खराब हो गया है। कुछ सरकार क्या कुछ किया हम लोग के लिए? कहाँ कुछ किया सरकार, कुछ करता तो हम लोग रोड पर आ जाते हैं। अभी उम्मीद करते हैं सरकार से इसी उम्मीद करते हैं कि हम लोग का राहत दे, चलाने खाने का राहत दे, कमाई दे, कमाई होना चाहिए। हमारे साथ और भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इनकी गाड़ी है और अब खुद से अब कमाते हैं, खुद से रोजगार जो है अपनाए हुए हैं। भाई साहब आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अजीत मलाकार हुआ। जी, पहले आप कहाँ काम करते थे? पहले हम आंत वाला रिक्शा जो चलाते थे, बड़ी मेहनत लग करता था। ठीक है, बाहरिया में चलाते थे। अच्छा। वो काम हुआ, सब काम करते थे अपना, राज मधुरा उरा का सब टोटल काम किए। इसी पैसे में थे? हाँ, अब जो देखे स्थिति, जब ये गाड़ी निकला तो ये गाड़ी से हम चला रहे हैं 4 साल से। ठीक है। अच्छा। और गाड़ी काला ये वाला हो गया 2 साल पूरे वाला। पहले चलाते थे भाड़ा पर, पहले कमाए हुए भारत, इसलिए अभी कम दाम में इनका सर्विस देखेंगे, कम दाम में गाड़ी निकाल रहे। बाहर काम करना नहीं जाना? ना ना, वहाँ काम नहीं करना, अपना बिहार में कमाना है, बाहर जाके क्या करना है? नहीं जाना। ना ना, कुछ आपका उम्मीद है कि सरकार से कुछ आप उम्मीद करते हैं कि क्या? सर देखिए, यही उम्मीद है कि देखिए लॉकडाउन और तनिक खोल देना चाहिए। जैसे पहले स्थिति था, पहले 1,000 रुपया 800-900 इसी में कमा लेते थे। अभी जो स्थिति हुआ है, जो काम धंधा सब के दम ठप है, ऐसा करिए कि खुल जाना चाहिए कि सबका गरीब जी है जो लॉकडाउन। आप अपनी तरफ से भी और लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि देखिए, जिसका भी भाई बंधु जो भी है गरीब दुखिया, उसको कुछ मदद करिए। अब देखिए लॉकडाउन लगने की वजह से पूरा कहानी खत्म है। लोग रोजगार ढूंढते चल रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी आप इस पैसे में आइए और खुद से काम? और तो ये काम तो 1 नंबर है, मेहनत भी नहीं है, कुछ नहीं है कोई। मैं देखिए मेहनत करता है, इससे क्या होता है, आपका शरीर पर जोर नहीं पड़ेगा, आपका कोई चीज़ पर जोर नहीं है। आप आराम से गाड़ी चलाए ना, शरीर के कुछ मेंटल सब चीज़ खाना पीना आराम से मस्ती से कर। तो
तो जैसा कि हम लोगों से भी बात करने की कोशिश की है, इन लोगों का धीरे धीरे मोह जो है वो भंग हो रहा है, कम पैसा कमाना चाहते हैं और अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं। ऐसे में अब सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराए ताकि ये लोग बाहर न जा सकें। कैमरा पर्सन अकबर के साथ न्यूज़ नेशन के लिए वंदना पटना।